मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, बोलो क्या मांगते हो? मुझे ऐसा वरदान दो भोलेनाथ, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी, भोलेनाथ जी ने इस मूर्ख असुर भस्मासुर को वरदान देकर संकट पैदा कर लिया है। अब भोलेनाथ को इस संकट से कैसे बचाया जा सकता है? विष्णु जी, इसका एक ही उपाय है। आप एक सुंदर नारी का रूप धारण करके जाइए और भस्मासुर की बुद्धि भ्रष्ट करके उसका अंत करें, तभी शंकर जी इस संकट से बच पाएंगे। ठीक है ब्रह्मा जी, मैं अभी जाता हूँ। तुम कौन हो सुंदरी और इन जंगलों में क्या कर रही हो? मूर्ख प्राणी, पहले तुम अपना परिचय दो। मैं तीनों लोकों में सबसे ताकतवर असुरों का असुर भस्मासुर नाम है मेरा। सुंदरी, मेरे साथ चलो, तुम मेरी पटरानी बनकर तीनों लोक पर राज करोगी राज। मुझे अपने दिल की रानी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे तो वही जीत सकता है जो मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर नाच सके। अच्छा, तीनों लोक में मुझ जैसा ताकतवर और मुझ जैसा डांसर कोई नहीं। सुंदरी, तुम्हें जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किंतु पहले ये बताओ सुंदरी कि तुम हो कौन? Who are you? सारा ऐसा वैसा ना कोई मेरे जैसा, हाँ जग सारा ऐसा वैसा ना कोई मेरे जैसा, रूप वाला ना कहीं मेरे जैसा कोई बलशाली, ना कोई मेरे जैसा। जिस पर मैं हाथ फिरा दूं उसकी मैं लाश गिरा दूं। सुने छोरी, एक बार तू कर दे इशारा ओ नखरे आले, ना कोई मेरे जैसा। कोई मेरे जैसा, जग सारा ऐसा।
ऐसा वैसा ना कोई मेरे जैसा रूप वाला ना कहीं मेरे जैसा कोई बलशाली ना कोई मेरे जैसा नाक चढ़ावे इतना तू गुस्सा ठावे ना गोरी नाक चढ़ावे मत इतना गुस्सा ठावे सुन चोरी मैं सुसा था बोला मत माने काली ना कोई मेरे जैसा जग सारा ऐसा वैसा ना कोई मेरे जैसा रूप वाला ना कहीं मेरे जैसा कोई बन